लोगों की इच्छा थी। हाँ ना। लेकिन आप लोग जान रहे कि प्रशासन द्वारा हम लोगों को अनुमति नहीं थी मिलने की, लेकिन फिर भी हम लोग जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिलना चाहिए। घर में एक जवान बेटा इन्होंने खोया है तो इंसाफ जो है मिलना चाहिए। अब तो प्रशासन से, यहाँ के SP से, और हम तो DGP से भी पटना में बात करेंगे कि इन पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले, और जो भी अपराधी हैं, जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं से इसमें ढिलाई जो है हुई है, और शंका तो लग रहा है कि भाई प्रशासन जो है दबाव में काम कर रही है। लेकिन प्रशासन से यही अपील है कि किसी के दबाव में ना आए, जो सच्ची बात है लोगों को न्याय दिला और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोगों को मेंटेन करने के हिसाब से काम करना चाहिए। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, हर जगह आप देखेंगे ना, हर जगह कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्याएं नहीं हो रही, पूल गिर गया, दो पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप बताइए, लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, लगातार जो है पूल गिर जा रहा है, लगातार रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इस पे प्रशासन के लोग चुप हैं। सब जनता सब समय पे लोगों को जवाब देगी, और हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। हम लोग थोड़ी चुप बैठने वाले हैं। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। चलिए 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 सर।